दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी स्टिमरिंग को मैनेज करने के लिए दवाइयों का कितना रोल है। दोस्तों मैंने बहुत सारी बुक्स को रीड किया, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी और बहुत सारी मैंने बुक को रीड किया, तो सभी बुक में कोई ना कोई मेडिसिन स्टिमरिंग को ठीक करने के लिए ज़रूर लिखी हुई है। आयुर्वेदा वाले कहते हैं कि पित्त और वात के कारण स्टिमरिंग होती है। आप गूगल में डालिए कि पित्त और वात का स्टिमरिंग का क्या संबंध है। दोस्तों हर पैथी में कोई ना कोई दवाई लिखी हुई है, लेकिन जो हमारे स्टिमरिंग एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि स्टिमरिंग में मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है? उसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ओंठ ऐसे चिपक गया, तो ये चिपके हुए ओंठ को ओपन करने के लिए क्या कोई मेडिसिन है? क्या कोई ऐसी मेडिसिन आपके पास आएगी कि आप खा लेंगे और आपका ओंठ ऑटोमेटिक ढीला हो जाएगा? आपका यहाँ पर वोकल कॉर्ड होता है ऐसे, तो जब हमारा क ख ग घ बनते हैं तो ऐसी कोई दवाई नहीं है कि आपका जब वोकल कॉर्ड ऐसे चिपक गया, यहाँ पर चिपक गया गला आपका, वो दवाई आएगी और वोकल कॉर्ड को ऐसे ओपन कर देगी। कोई मेडिसिन नहीं है उसके लिए। आपको बार 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गला खोलने की और ओंठ खोलने की, आई कॉन्टेक्ट करने की, आपको बार बार रिहर्सल करनी पड़ेगी। दवाइयों का रोल वहाँ होता है जहाँ कोई आपके अंदर डिसीज हो, कोई बैक्टीरिया हो, या कोई टूट फूट हो गई हो, या ब्लड का संचरण अच्छे से ना हो रहा हो, वहाँ पर ब्लड का ही होता है। लेकिन स्टिमरिंग को रियल में स्टिमरिंग ऐसा होती क्यों है? इसका रियल में फिजिकल कारण आज तक कुछ साइंस ढूंढ ही नहीं पाई है। और जो ये दवाइयों का हम लोग माइंड में रहता है कि दवाई हमको दे दीजिए डॉक्टर साहब, या दवाई बता दीजिए, दवाई खा लें तो ठीक हो जाएंगे, तो आज तक स्टिमरिंग के लिए कोई भी दवाई बनी ही नहीं है। हाँ, बहुत सारी एंटी एन्जाइटी मेडिसिन यूज करते हैं जिससे हमारे अंदर जो टेंशन होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन स्टिमरिंग में जो टेंशन होता है और जो एन्जाइटी का टेंशन होता है उसमें भी काफ़ी डिफरेंट होता है। जो स्टिमरिंग का टेंशन होता है उसे कंट्रोल करने के लिए दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्टिमरिंग का टेंशन होता है वो रियल में हाइपर टेंशन के कारण होता है, और हाइपर टेंशन जो है कम एयर लेने कारण होता है। जब हम कम एयर लेते हैं हमारी बॉडी में, हमारे नाक से या मुंह से कहीं से भी जब हम कम एयर लेते हैं तो हमारे दिमाग में एयर कम पहुंच पाती है, यानी ऑक्सीजन कम पहुंच पाता है, और ऑक्सीजन कम पहुंचने के कारण हार्ट बीट बढ़ना और चेहरा लाल हो जाना और धड़कने बढ़ जाना और मेमोरी लॉस होना, ये लक्षण आते हैं। इसको हम स्टिमरिंग के लिए मान बैठे हैं और इसको हम दवाइयों से ठीक करना चाहते हैं। जबकि यदि आप केवल हल्का हल्का सांस लेने का प्रयास करें तो ये दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है और निश्चित तौर पर आपकी स्टिमरिंग कंट्रोल हो जाएगी। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप मेडिसिन ढूंढ रहे हैं और ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मेडिसिन स्टिमरिंग के लिए मिलने वाली है। हाँ, दवाइयाँ बहुत सारी हैं, लेकिन आप उसका चाहे तो यूज भी कर लीजिए। जैसे आंवला, आपने कई जगह पढ़ा होगा कि आंवला खाने से हमारी स्टिमरिंग ठीक हो जाती है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि आंवला में विटामिन सी होता है। अब आप गूगल में सर्च करिए कि विटामिन सी और स्टिमरिंग का क्या संबंध है। मुझे नहीं लगता कि स्टिमरिंग का और विटामिन सी का कोई संबंध है। ठीक है, तो ऐसी अभी कल मेरे पास एक फ़ोन आया तो एक सर बोल रहे थे कि फिटकरी का यूज करने से स्टिमरिंग ठीक होती है। फिटकरी से कोई बोलता काली मिर्च खाने से स्टिमरिंग ठीक होती है,
कोई बोलता मैंने गूगल में पढ़ा कि आयुर्वेद की दवाई यूज करने से ठीक होती है। बहुत सारे डॉक्टर लोग तो कहते हैं कि होम्योपैथी दवाई से ठीक होती है। अब गलती उनकी भी नहीं है। देखिए, जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं या होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं या एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं, कोई भी डॉक्टर होते हैं, तो गलती उनकी नहीं है। गलती उनकी इसलिए नहीं है क्योंकि उनके किताब में रियल में लिखा हुआ है चीज़ को। उनके किताब में ये लिखा हुआ है कि हकलाहट को ठीक करने के लिए ये दवाई है, तो जो लिखा हुआ है उसको वो दे रहे हैं, तो अपने हिसाब से वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन स्टेमरिंग को आप ऐसे देखिए कि जैसे आपको डांस करना सीखना है तो क्या दवाई खा करके आप डांस करना सीख जाएंगे? स्विमिंग करना सीखना है तो क्या आप दवाई खा करके स्विमिंग करना सीख जाएंगे? गाना गाना आपको सीखना है तो क्या दवाई खा करके आप गाना गाना सीख जाएंगे? ड्राइविंग करना आपको सीखना है तो क्या आप गाना दवाई खा करके ड्राइविंग करना सीख जाएंगे? दोस्तों, इन सब के लिए आपको रिहर्सल की जरूरत है, रिहर्सल ने प्रैक्टिस। तो जैसे हम लोग गाना गाने के लिए बहुत लंबी प्रैक्टिस करते हैं, ड्राइविंग करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस और काफ़ी रिस्क भी लेते हैं, कई बार हम गिर भी जाते हैं, कई बार हमारा एक्सीडेंट भी होता है, इसके बाद भी हम उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और बार 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 ट्राई करते रहते हैं। उसी प्रकार से स्टिमरिंग को ओवरकम करने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस और जो टेक्निक्स हैं उनका जम के यूज करना। हम लोग रियल में टेक्निक का यूज नहीं करना चाहते हैं और बेहतर से बेहतर बोलना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें स्टिमरिंग के लिए कोई इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और जो भी मेडिसिन दी जा रही हैं तो पेटेंट नहीं हैं। कई डॉक्टर्स मैं देखता हूँ कि वो एक सिंपल पन्नी में और अपनी पर्ची लगा करके और दवाई देने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो दवाई पेटेंटेड नहीं है उनको तो बेचना अलाउ ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी दवाई का यूज यदि करते हैं तो पहली बात तो उसमें कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, कौन से कंपोनेंट मौजूद हैं, उनकी जानकारी होना चाहिए। और फिर वो जो केमिकल्स जो कंपोनेंट्स उस मेडिसिन में हैं, तो क्या वो कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए कितना हानिकारक हैं या कितने फ़ायदेमंद हैं, उनकी जानकारी होना चाहिए। तो ये सब जानकारी होना चाहिए। और जो एलोपैथी डॉक्टर हैं वो तो ज़्यादातर एंजाइटी एंटी एंजाइटी दवाई यूज करते हैं। मैंने कई साइकेट्रिस्ट डॉक्टरों के पर्चे देखे हैं जो मेरे पास ले करके आते हैं। बहुत से स्टूडेंट बहुत सारी जांच, बहुत सारी दवाइयां और बहुत सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट मेरे पास ले करके आते हैं, जो पिछले 6-7 साल से 8 साल से यानी 1-1 साल 2 साल से दवाई खा रहे हैं। अभी एक कल मिस्टर राजेश श्रीवास्तव जी आए थे मेरे पास, तो उन्होंने बॉम्बे के किसी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से पिछले 4 साल से दवाई ले रहे हैं और 4 साल से दवाई खा रहे हैं और 4 साल से दवाई खाने पर उनको कुछ आराम नहीं हुआ। और अभी वो जो डॉक्टर हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं मुंबई के हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि आप स्पीच थेरेपी लीजिए, तो फिर वो मेरे पास आए और अभी उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब हर हफ्ते में 2-4 लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं आयुर्वेदा बहुत सालों से खा रहा हूँ, फिर 6 माह से खा रहा हूँ, या बहुत लोग कहते हैं कि मैं आंवला पिछले 10 साल से खा रहा हूँ, या बहुत लोग कहते हैं कि मैं होम्योपैथी दवाई जो बारीक बारीक व्हाइट रंग की आती हैं गोल गोल, वो दवाइयाँ मैं पिछले 5 साल से खा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जितनी भी दवाइयां हैं तो ये फ़ायदा के बजाय नुकसान ज़्यादा करती हैं, क्योंकि कोई भी केमिकल हमारी बॉडी में जाएगा तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो फ़ायदा तो जो होता है तो वो तो होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ना हमारी डेंजरस होती हैं। आप मेडिकल की कोई बुक उठा कर देखिए कि यदि कोई भी एक दवाई आप लेते हैं तो यदि उसके एक फ़ायदे लिखे हैं किसी किताब में, तो फ़ायदे के साथ साथ में 5-6 नुकसान भी है। जैसे कि बॉडी को टेम्परेचर, बुखार और दर्द को कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल फेमस मेडिसिन है, जो क्रोसिन के रूप में हमारे इंडिया में अवेलेबल है। तो जैसे ही हम वो दवाई को खाते हैं, जैसे ही हम क्रोसिन को खाते हैं, तो दर्द और फीवर हमारा डाउन होता है। लेकिन आपको पता है इससे जो किडनी के लिए बहुत ही बेकार मानी गई है, बहुत ही डेंजरस मानी गई है,
और बहुत सारे लीवर के लिए बेकार मानी गई है, हमारे पाचन संस्थान के लिए बेकार मानी गई है। तो दोस्तों कि हमें दवाई तभी लेना चाहिए जब हम बिल्कुल लास्ट हो, मतलब बिना दवाई के पॉसिबल ही ना हो, तब दवाई लेना चाहिए। और खासकर स्टेमरिंग के लिए तो जितने भी केसेस आते हैं, जो दवाई पिछले 5 साल से ले रहे हैं, 7 साल से ले रहे हैं, तो उनकी रिपोर्ट या उनका एक्सपीरियंस ही मेरे साथ में है, तो वो दवाई खा करके लेजी हो गए हैं, मेंटली डिस्टर्बेंस हो गए हैं और उनकी बॉडी में बहुत सारा नुकसान हुआ है। अभी 2 साल पहले मेरे पास दुर्ग से आए थे, दुर्ग छत्तीसगढ़ में पड़ता है, दुर्ग से एक व्यक्ति आए थे, वो इतनी सारी दवाइयाँ ले रहे थे कि उनको नींद इतनी आती थी कि वो 5-5 घंटे दिन में सोते थे, रात में तो सोते ही थे पर वो दिन में सोते थे, और एक बार सोने पर उनको कितना भी आप कुछ भी चिल्लाते रहो उठाते रहो तो वो उठते नहीं थे। तो बहुत सारी दवाइयाँ खाने से हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे नुकसान हैं। तो हमें लगता है कि यदि आप दवाइयाँ टेंशन के लिए ले रहे हो, हाइपरटेंशन के लिए ले रहे हो, तो दवाइयाँ लेने से बेहतर है कि आप योगा, ध्यान, एक्सरसाइज में जाइए और सांस लेने में जाइए, डीप ब्रीदिंग में जाइए, तो उससे आपको रिलैक्स मिलेगा और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो जो आप टाइम अपना दवाइयों में बेकार करते हैं, दवाइयाँ ढूंढ ढूंढ के दवाइयाँ खाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें आपका समय और जो आपका बॉडी है वो दोनों का लॉस होता है। तो मुझे लगता है कि आपको बेहतर से बेहतर जो स्टिमरिंग के एक्सपर्ट हैं, जो स्टिमरिंग से आजकल बहुत सारे वीडियो भी आ गए हैं, तो अपना टाइम बिना बेकार किए हुए अपने अभ्यास में, अपनी एक्सरसाइज में लगिए। और आप एक क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आजकल कोई बात छुपी नहीं है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब कुछ जानते हैं, मानते भी हैं, बस केवल करते नहीं हैं। तो दोस्तों बुद्धिमान वो व्यक्ति होता है कि जो जाने भी माने भी और उसको फॉलो भी करे। तो दोस्तों आप कितना जानते हैं, कितना आपको वीडियो देख देख के नॉलेज है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना करते हैं, उसका यूज कितना करते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कोई व्यक्ति यदि MBA कर लेता है, BTech कर लेता है, MTech कर लेता है, उसको बहुत नॉलेज हो गया, बहुत ज्ञानी हो गया, लेकिन यदि वो अपने एजुकेशन का रियल लाइफ में यूज नहीं कर पाता है, तो जो उसके पास बुद्धि है कोई काम की नहीं मानी जाती है। तो हमें लगता है कि आप बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में सीखिए, और जो उनको बताया गया है यदि उनको आप 10% भी फायदा यूज करते हैं, 10% भी यूज करते हैं, तो आपको रिजल्ट बेहतर से बेहतर मिलेगा। बस थोड़ा पेशेंस रखिए, और जितना आप बिलीव करेंगे अपनी टेक्निक के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपने अभ्यास के ऊपर, उतना ज़्यादा आप बेहतर फील करेंगे। तो दोस्तों हम लोग कई बार क्या करते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हार मान लेते हैं। तो दोस्तों हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। मैं यही कहूँगा कि आप एक्सरसाइज के ऊपर विश्वास करिए, और जब उसको आप फॉलो करके देखेंगे तो आपको रिजल्ट बेहतर से बेहतर मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ये वीडियो टाइम टाइम में मिलते रहें। धन्यवाद।